तो चलो बनाते हैं पालक पनीर का सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे पालक ले लिया है, तो मैंने तो ज़्यादा पालक लिया था क्योंकि मैं पालक का पराठा भी बनाने वाली हूँ। तो आपको पालक का पराठा के साथ अगर पालक पनीर खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हो। तो मैंने इस बार बनाया था पालक पराठा के साथ पालक पनीर का सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पालक को अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद ना, मतलब 3 से 4 बार तो आपको अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने ना इसको चढ़ा दिया था थोड़ा सा उबालने के लिए। तो इसको मैंने ना अच्छे से उबाल लिया और उसके बाद इसको ना छन्नी में हमने छान के निकाल लिया है। तो अब इस पालक को ना हम ठंडे पानी से भी अच्छे से 1-2 बार वॉश कर लेंगे। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और ना आप इसको आइस वाटर में भी रख सकते हो। आइस वाटर में रखने से इसका कलर ना एकदम ग्रीन रहता है। जब आप इसको पीस के बनाते हो ना तो इसका कलर एकदम ग्रीन रहता है, तो आप इसको आइस वाटर में भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लिया था और उसके बाद मिक्सर के जार में इसको ट्रांसफ़र करके अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लिया। तो इसको ना अच्छे से हमको स्मूथ पेस्ट बना लेना है जैसे मैंने बनाया है। और कुछ लोग ना इसको मतलब बिना उबाले भी पीस के बनाते हैं, बट मैं आज तक बनाई नहीं हूँ तो मुझे उसका टेस्ट पता नहीं है कैसा होता है। तो मैं उसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा लगता है। तो मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैंने तड़के के लिए यहाँ पर जीरा डाल दिया है और सूखे जितने भी गरम मसाले हैं ना, सूखे मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ा सा लौंग और इलायची, ये सब डाल दिया है। और ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है और पतले स्लाइस लंबे कटे हुए प्याज को भी इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसको ना अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने ना बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन को भी ऐसे ही डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इस बार मैंने मसालों का पेस्ट नहीं बनाया है, नहीं तो मैं हमेशा अदरक और लहसुन और टमाटर को साथ में पेस्ट करके डालती हूँ, बट मैंने इस बार ऐसा नहीं किया है। इस बार मैंने सबको बारीक चॉप करके ही डाला है। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, तो मैंने ये पनीर का पैकेट जब फाड़ रही थी तो ही ये पता नहीं क्यों ये फटा नहीं। उसके बाद फिर इसके बाद दोबारा मैंने इसको काटा और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया था। तो मैं पनीर को यहाँ पे गर्म पानी में नहीं डालती हूँ, आप चाहे तो उसको ऐसे डाल के भी रख सकते हो या फिर अगर आप फ्राई करते हैं ना तो फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ फ्राई नहीं करती हूँ। मुझे ये पनीर ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ऐसे ही पनीर को सैकड़ा डालने से ना वो पनीर सॉफ्ट रहता है, बाकी आप उसको अगर फ्राई करने जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर को भी डाल दिया है। टमाटर को भी मैंने इस बार पेस्ट नहीं किया, नहीं तो मैं हर बार टमाटर को पेस्ट करके डालती हूँ। उसके बाद मैंने ना इसमें नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर को डाल दिया है और ना इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी डाल दिया है। इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो जैसे ही टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे ना, तो इसमें ना जो हमने पीस के रखा था पालक को, उसको इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ना इसको अच्छे से हम पका लेंगे। आप देख सकते हो कि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एकदम ग्रीन कलर दिख रहा है। और इसको ना अच्छे से जब थोड़ा सा सूखा हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा, तो उसमें हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे वरना ना वो पूरा पानी पानी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें ना पनीर भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से ना थोड़ी देर पकाएँगे। और पका लेने के बाद लास्ट में उतारने के पहले मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इस बार अभी क्रीम नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं सिर्फ गरम मसाला पाउडर ऐड की हूँ उसमें। और उसके बाद ना इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पालक के पराठे के साथ भी खाओगे ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको पालक के पराठे का रेसिपी भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको शेयर करूँगी। और लास्ट में इसके ऊपर हम बटर डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें क्रीम नहीं डाला है, क्रीम की जगह मैंने यहाँ पर बटर यूज़ किया है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से ना हम पनीर को अच्छे से ग्रेट करके ना ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आज का रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू एंड यूनिक रेसिपीज़। बाय बाय।